कारोबारी के ठिकाने पर रेड के बाद 58 करोड़ कैश पाया गया है। 32 किलो सोना समेत 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति पाई गई है। 13 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई जारी रही। राज्य भर के 260 अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई में शामिल रहे। 120 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। ये सब अधिकारी 5 टीम में बटे हुए थे। पंकज खेलकर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, अकूत संपत्ति का खुलासा कैसे, इसके बारे में टिप ऑफ और जानकारी मिली? देखिए, अभी तक यहाँ जानकारी इनकम टैक्स में कोई भी आधिकारिक व्यक्ति या पीआरओ दे नहीं रहा है। जो भी सूत्रों से जानकारी आई है और वीडियो भी जो बाहर आए हैं, नासिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने ये रेड करवाई है जो कि पुणे डिवीजन के अंडर आता है। और तकरीबन 3 इंडस्ट्रियलिस्ट है, सिर्फ 1 इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, घर पे, ऑफिस पे, फैक्ट्रीज पे ये छापे गिरे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि सिर्फ कैश गिनने के लिए जो 58 करोड़ कैश जो कि मशीन पे गिनी गई, उससे गिनने के लिए तकरीबन 12 घंटे के ऊपर का समय लग गया। और ये भी जानकारी आ रही है कि जो अनअकाउंटेड कैश है उसमें जो बोरियों में भर के रखे थे, कुछ बोरियां फर्नेस में फेंक दी गई है, ने वो जला दी गई है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बता सकता है जब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। ये पूरी रेड जो है वो पहले हफ्ते से शुरू रही जालना औरंगाबाद शहरों में। जो उद्योगपति है, स्टील से रिलेटेड उद्योगपति है, रोलिंग मिल्स जिनकी है, उनके दफ्तर घर पे ये छापे गिरे हैं। और ठीक है, पंकज, जज़्बा रखिए।